बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मोहम्मद अली राना फ्रॉम गुलाम-ए-अब्बास स्कूल। इन दिस वीडियो लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टार्ट आर एसएलओ नंबर 1041 फ्रॉम द चैप्टर नंबर 10 सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स। इस एसएलओ के अंदर हमें कुछ बेसिक टर्म्स एक्सप्लेन करनी है जो कि एक वेव से कनेक्टेड होती हैं। अगर हम एक वेव को स्टडी कर रहे हैं तो हम वेव को इन बेसिक टर्म्स की बेसिस पे किसी भी वेव को हम एक्सप्लेन करते हैं या स्टडी करते हैं। तो ये बेसिक टर्म्स हैं जो कि हम इस एसएलओ के अंदर सीखेंगे। तो सबसे पहले जो है वो हम स्पीड से स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज स्पीड? जैसा कि हमें पता है कि एक वेव क्या है, वेव इज अ कैरियर ऑफ एनर्जी। वेव हमेशा जो है वो एनर्जी को कैरी करती है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। फॉर एग्जांपल, जब मैं बोल रहा हूँ तो साउंड वेव प्रोड्यूस हो रही है और वो वेव जो है वो साउंड एनर्जी को कैरी कर रही है फ्रॉम माय माउथ टू द ईयर ऑफ द ऑडियंस। तो वेव का काम होता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एनर्जी को कैरी करना। इसीलिए हम कहते हैं कि वेव इज अ कैरियर ऑफ एनर्जी। वेव हमेशा एनर्जी कैरी करती है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, चाहे वो वेव किसी भी टाइप की हो, लाइक ट्रांसवर्स वेव हो, लॉन्गिट्यूडनल वेव हो, मैकेनिकल वेव हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हो, या वाटर वेव, साउंड वेव, लाइट वेव, किसी भी टाइप की वेव हो, एवरी वेव इज डिफाइंड एज द कैरियर ऑफ एनर्जी। इट कैरीज एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी वेव जो है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कैरी करती है। तो अगर हम स्पीड की बात करें कि जब वेव के लिए हमने कह दिया कि इट कैरीज एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। फॉर एग्जांपल, दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी, और इस पॉइंट ए और बी के दरमियान वेव ट्रेवल कर रही है विद एनर्जी। वेव है वो एनर्जी कैरी कर रही है फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। तो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक हमारे पास एक सर्टेन डिस्टेंस मौजूद होगा और वेव को एनर्जी कैरी करने में पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जो डिस्टेंस कवर कर रही है वेव, उसको कवर करने में एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम भी रिक्वायर्ड होगा। तो जब हम डिस्टेंस और टाइम का रेशियो ले लें, डिस्टेंस एंड टाइम, कि एक सर्टेन वेव ने एक सर्टेन अमाउंट ऑफ डिस्टेंस कवर किया एनर्जी को लेकर, और उस डिस्टेंस कवर करने में एनर्जी वेव को जो टाइम रिक्वायर्ड था वो हमने टाइम टी से रिप्रेजेंट कर लिया। सो दिस डिस्टेंस अपॉन टाइम और द रेशियो ऑफ डिस्टेंस अपॉन टाइम इज नोन एज स्पीड। कि वेव जो है वो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ डिस्टेंस कितना देर में कवर कर रही है एनर्जी को कैरी करते हुए, इस टर्म को जो है वो हम क्या कहते हैं, इट इज रेफर्ड एज स्पीड ऑफ द वेव। फिर हम आ जाते हैं फ्रीक्वेंसी पर। कि व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? प्रीवियस एसएलओ के अंदर भी हमने फ्रीक्वेंसी को डिफाइन किया था। लाइक फ्रीक्वेंसी को हमने कहा था कि फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ वेव्स इन अ यूनिट टाइम। वेव का फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है कि एक यूनिट टाइम में कितनी वेव्स पास हो रही है, उसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी। अब फॉर एग्जांपल, इस पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जब वेव ट्रैवल कर रही है, तो फॉर एग्जांपल मैंने पॉइंट सपोज कर लिया एक्स, तो इस पॉइंट पर से, इस पॉइंट एक्स पर से एक यूनिट टाइम में कितनी वेव्स पास हुई है, नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन अ यूनिट टाइम। कि एक यूनिट टाइम में किसी भी एक सर्टेन पॉइंट से जो नंबर ऑफ वेव पास हो रही होती है, उसको हम क्या कहते हैं, इट इज फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी को हम SI यूनिट के अंदर मेजर करते हैं, हर्ट्ज के अंदर। सो दिस इज द SI यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट टाइम, दिस इज डिफाइंड एज फ्रीक्वेंसी। अगर हम वेव की फ्रीक्वेंसी को ग्राफिकली देखें कि ग्राफिकली हम किस तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं वेव्स को, तो लेट सपोज मैं एक यहाँ एक वेव फॉर्म ड्रॉ कर देता हूं।
एक मैंने गिफ्ट वेव ड्रॉ कर दी और एक सेम अमाउंट ऑफ टाइम के अंदर मैंने ये वेव ड्रॉ कर दिए। तो इस फर्स्ट वाली डायग्राम में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेव में हमारे पास यहां से लेकर यहां तक 1.5 वेव्स बन रही हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस कंप्लीट्स वन वेव एंड दिस इज हाफ वेव। तो यहां हमारे पास यूनिट टाइम में 1.5 वेव्स मौजूद है, जबकि अगर हम यहां देखें तो यहां से वेव शुरू हो रही है, देन हमारे पास यहां एक वेव कंप्लीट हो गई। इसी तरह से ये सेकेंड वेव और ये थर्ड वेव। तो यहाँ हमारे पास ज्यादा नंबर ऑफ वेव्स फॉर्म हो रही हैं, तो हम कहेंगे कि इस वेव फॉर्म की जो फ्रीक्वेंसी है वो ज्यादा है। यहाँ अगर हम देखें तो नंबर ऑफ वेव्स कम है, इसलिए इसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी। इसी तरह से लेट सपोज मैं एक और वेव फॉर्म ड्रॉ कर दूं, तो यहां जो नंबर ऑफ वेव्स बन रही है वो सेकेंड वेव डायग्राम से भी ज्यादा है। तो ग्राफिकली आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या है, नंबर ऑफ वेव्स जितनी ज्यादा होगी जो फ्रीक्वेंसी है उस वेव की वो भी ज्यादा होगी। तो ये हमने डिस्क्राइब की फ्रीक्वेंसी को। अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं अपनी वेव लेंथ के ऊपर। वेव लेंथ का मतलब क्या है कि एक कंप्लीट वेव की जो लेंथ होती है उसे हम वेव लेंथ कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहां मैंने डिफरेंट वेव्स फॉर्म की थी फ्रीक्वेंसी को एक्सप्लेन करने के लिए, तो इसी डायग्राम पर मैं जो है वो वेव लेंथ को जो है वो एक्सप्लेन कर देता हूं। तो वेव जो है वो कंप्लीट इस शेप को जो है वो वेव कहते हैं। तो दिस इज वन कंप्लीट वेव। तो अगर मैं यहां से काउंट करूं तो वेव यहां से शुरू हो रही है और कंप्लीट हो रही है यहां पर। सो दिस इज वन वेव, और इस वन वेव की जो लेंथ होती है उस वन वेव की लेंथ को हम क्या कहते हैं, इट इज वेव लेंथ। फॉर एग्जांपल यहां पर अगर हम देखें तो यहां से एक वेव शुरू हुई और यहां पर एंड हो रही है, तो इट्स मीन ये पूरी जो है वो क्या कहलाएगी, वेव लेंथ कहलाएगी। सिमिलरली सेकेंड वेव यहां से शुरू हो रही है और यहां पर एंड हो रही है, तो ये कंप्लीट हमारे पास क्या कहलाएगी, दिस इज वन वेव। सिमिलरली यहां से थर्ड वेव शुरू हो रही है और यहां पर जो है वो थर्ड वेव एंड हो रही है, तो इट्स मीन ये मेरे पास एक और वेव की लेंथ आ गई। तो हर एक वेव की जो लेंथ होती है उसे हम क्या कहते हैं, वेव लेंथ कहते हैं। और एक कंप्लीट वेव के अंदर जो लेंथ है वेव की वो हमेशा बराबर होगी। इसी तरह से अगर हम यहां देखें, सो यहां से एक वेव शुरू हो रही है और यहां पे खत्म हो रही है, तो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस क्या कहलाएगा, इट इज वेव लेंथ। सिमिलरली यहाँ सेकेंड वेव है और यहाँ पे खत्म हो रही है, तो ये पूरा डिस्टेंस क्या कहलाएगा, वेवलेंथ। वेवलेंथ को हम रिप्रेजेंट करते हैं ग्रीक लेटर से, जिसे हम कहते हैं लैम्डा। ये हमने पहले प्रीवियस क्लास के अंदर भी डिस्कस किया था कि दिस सिंबल इज नोन एज लैम्डा, एंड लैम्डा इज अ ग्रीक लेटर यूज टू रिप्रेजेंट द लेंथ ऑफ द वेव। सो यहां अगर हम और फर्दर काउंट करते जाएं, तो यहां से लेकर यहां तक हमारे पास कंप्लीट एक वेव हो गई, देन यहां से यहां तक एक और वेव हो गई। तो इस तरह से हम काउंट करते जाएं, एक कंप्लीट वेव मैंने बता दी कि इस तरह से एक कंप्लीट वेव फॉर्म होती है, और उस एक कंप्लीट वेव की जो लेंथ है उसे हम क्या कहेंगे, इट इज वेव लेंथ। तो अब आज हम आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट टर्म पर, दैट इज टाइम पीरियड। जैसा कि हमने कहा कि वेव को वेव जो है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एनर्जी को कैरी कर रही है। ग्राफिकली हमने दिखा दिया कि एक कंप्लीट वेव जो है वो इस तरह से फॉर्म होती है। तो टाइम पीरियड का मतलब है कि किसी भी एक पॉइंट से, लाइक लेट सपोज पॉइंट एक्स है, इस पॉइंट से एक वेव को ट्रैवल करने में जितना टाइम रिक्वायर्ड होता है उस टाइम को हम कहते हैं टाइम पीरियड। फॉर एग्जाम्पल ये एक वेव थी यहां से यहां तक, तो वेव को यहां से लेकर यहां तक ट्रेवल करने में फॉर एग्जाम्पल 2 सेकेंड्स लगे, तो इस वेव का टाइम पीरियड क्या होगा, 2 सेकेंड्स। सिमिलरली यहां पर मेरे पास 1, 2,
two or three, total three waves थी, और इस wave को travel करने में let's suppose 9 seconds लगे, कितनी waves है, 1, 2 and 3, तीन waves को travel करने में 9 seconds लगे हैं, तो एक wave का time कितना हुआ, 3 seconds, which mean what the time period or the time required to travel a certain distance for one wave is called time period. किसी भी एक वेव को एक certain amount of distance travel करने में जितना time required होता है उस time को हम क्या कहते हैं, time period. और time period को हम represent करते हैं capital T से, और वो हमेशा major होगा किसमें, सेकेंड्स के अंदर. और जो फॉर्मूला होता है टाइम पीरियड का, इट इज दी रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी का मतलब हमने क्या डिफाइन किया, फ्रीक्वेंसी मींस दी नंबर ऑफ वेव पासिंग इन अ यूनिट टाइम. और टाइम पीरियड को कैसे डिफाइन किया हमने, कि टाइम पीरियड इज अ टाइम रिक्वायर्ड टू फॉर वन वेव टू ट्रैवल अ सर्टेन डिस्टेंस. एक वेव को ट्रैवल करने में जितना टाइम लगता है, एक पॉइंट से पास होने में जितना टाइम लगता है, उसे हम क्या कहेंगे, टाइम पीरियड. नेक्स्ट हम आ जाते हैं एम्पलीट्यूड, कि व्हाट इज एम्पलीट्यूड. एम्पलीट्यूड भी जो है वो हम प्रीवियस क्लासेस के अंदर जो है वो डिफाइन कर चुके हैं. एम्पलीट्यूड का मतलब क्या था, द डिस्टेंस फ्रॉम मेन पोजीशन टू एक्सट्रीम पोजीशन. मेन पोजीशन से लेकर एक्सट्रीम पोजीशन तक का जो डिस्टेंस होता है उसे हम क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड कहते हैं. तो फॉर एग्जांपल दिस पोजीशन इज नोन एज मेन पोजीशन, दिस टॉप मोस्ट एंड लीस्ट मोस्ट पोजीशन आर नोन एज एक्सट्रीम पोजीशंस. तो मेन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक का ये जो डिस्टेंस है ये क्या कहलाएगा, दिस इज एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव. सिमिलरली मेन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक ये डिस्टेंस भी क्या कहलाएंगे, दीज आर नोन एज एम्पलीट्यूड. सिमिलरली इन वेव्स के अंदर भी अगर मैं एम्पलीट्यूड डिफाइन करूं, सो दिस इज एम्पलीट्यूड, दिस इज एम्पलीट्यूड, दिस इज एम्पलीट्यूड, दीज ऑल आर एम्पलीट्यूड. सिमिलरली इन वेव्स के अंदर भी हम डिफाइन कर सकते हैं कि ये जो मैं डिस्टेंस मार्क कर रहा हूं, ये सारे डिस्टेंस क्या कहलाते हैं, दीज आर एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव. और डिफाइन कैसे करते हैं एम्पलीट्यूड को, द डिस्टेंस बिटवीन द मेन पोजिशन एंड एक्सट्रीम पोजिशन इज नोन एज एम्पलीट्यूड. देन हम आ जाते हैं दो और टर्म्स के ऊपर, दैट आर क्रस्ट एंड ट्रफ. क्रस्ट एंड ट्रफ का क्या मतलब है, क्रस्ट का मतलब है किसी भी वेव फॉर्म के अंदर जो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट होती है उसे क्रस्ट कहते हैं. द पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मेन पोजीशन इज नोन एज क्रस्ट. सिमिलरली द नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मेन पोजीशन इज नोन एज ट्रफ. अब वेव के अंदर हम कैसे डिफाइन करेंगे, फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक कंप्लीट वेव थी, ये ऊपर की साइड जो बम्प फॉर्म हो रहा है, वेव फॉर्म हो रही है, इसको हम पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, जबकि जो नीचे की तरफ बम्प फॉर्म हो रहा है इसे हम नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट कहते हैं. सो दिस पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज क्रस्ट, और जो नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट फॉर्म हो रही है इसे हम क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज ट्रफ. तो हमारे पास एक वेव कैसे फॉर्म हो गई, मैंने पहले कहा था कि दिस इज वन कंप्लीट वेव. तो हमारे पास एक कंप्लीट वेव कैसे फॉर्म होती है, जब एक क्रस्ट और एक ट्रफ फॉर्म होते हैं तो एक क्रस्ट और एक ट्रफ से मिलकर हमारे पास एक कंप्लीट वेव फॉर्म हो जाती है. सिमिलरली अगर हम यहां देखें तो दिस इज क्रस्ट, दिस इज ट्रफ, एंड क्रस्ट एंड ट्रफ मिलके यहां तक हमारी एक वेव कंप्लीट हो गई. देन हमारे पास सिर्फ क्रस्ट फॉर्म हो रहा है, ट्रफ फॉर्म नहीं हो रहा. तो क्रस्ट, सिर्फ क्रस्ट का मतलब होता है हाफ वेव, एंड सिर्फ ट्रफ का मतलब क्या है, हाफ वेव. तो वन क्रस्ट एंड वन ट्रफ विल फॉर्म अ कंप्लीट वेव, और सिर्फ क्रस्ट या सिर्फ ट्रफ का मतलब क्या, इट इज हाफ वेव. यहां अगर हम काउंट करें क्रस्ट एंड ट्रफ वन वेव, क्रस्ट एंड ट्रफ टू वेव, देन क्रस्ट एंड ट्रफ थ्री वेव. तो यहां पर तीन क्रस्ट फॉर्म हो रहे हैं, तीन ट्रफ फॉर्म हो रहे हैं, सो दिस इज दे विल मेक थ्री कंप्लीट
वेव। सिमिलरली हम यहाँ इस डायग्राम में भी काउंट कर सकते हैं कि कितने क्रास्ट कितने ट्रफ फॉर्म हो रहे हैं और क्रास्ट और ट्रफ से मिलकर एक वेव फॉर्म होती है। देन हम आते हैं हमें नेक्स्ट टर्म के ऊपर, दैट इज वेव साइकिल। वेव साइकिल का मतलब यह है कि जो एक वेव कंप्लीट फॉर्म हो रही है इसको हम जो है वो वन वाइब्रेशन वन ऑस्किलेशन या वेव साइकिल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक पेंडुलम हो, पेंडुलम को मैंने यहां तक जो है वो डिस्प्लेस कर दिया, जैसे ही मैं उसको यहां से रिलीज करूंगा ये पेंडुलम जो है वो मेन पोजीशन की तरफ जाएगा, मेन से एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ, देन अगेन मेन पोजीशन एंड अगेन एक्सट्रीम पोजीशन। तो यहां इस तरह से जो है वो हमारे पास एक साइकिल कंप्लीट हो गया, एक वेव कंप्लीट हो गई या फिर एक ऑस्किलेशन कंप्लीट हो गई। तो इस पूरे वन वाइब्रेशन को, द वन कंप्लीट वाइब्रेशन of a vibrating body is known as wave cycle। किसी भी vibrating body की जो एक complete trip होती है या एक complete oscillation या एक complete चक्कर जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, it is known as wave cycle। चलिए तो हम last terms की तरफ आ जाते हैं, compressions and refraction। तो ये compression और refraction जो है वो दो different दो terms हैं जो कि डिफरेंट टाइप ऑफ वेव के अंदर फॉर्म होती है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर एक स्प्रिंग मौजूद है, ये स्प्रिंग मौजूद है जिसके हर रिंग्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो बराबर है। अब अगर मैं इस स्प्रिंग के अंदर वेव फॉर्म करूं, लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं यहां से पुश कर दूं, तो पुश करने से क्या होगा, इस वेव के अंदर जो है इस स्प्रिंग के अंदर ये जो रिंग्स हैं, ये अगर यहां रिंग्स की पोजीशन देखें और यहां पर रिंग्स की पोजीशन देखें तो ये रिंग्स जो है वो एक दूसरे के करीब करीब आ गए। तो ऐसी वेव, ऐसी लॉन्गिट्यूडनल वेव, बिकॉज ये जो कंप्रेशन और रिफ्रैक्शन है वो सिर्फ लॉन्गिट्यूडनल वेव के अंदर फॉर्म होते हैं। तो ऐसी वेव जिसके अंदर जो पार्टिकल्स है वो एक दूसरे के करीब करीब हो, द रीजन इन अ लॉन्गिट्यूडनल वेव वेयर पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम आर क्लोजर टू ईच अदर, पार्टिकल जो है वो एक दूसरे के करीब आ गए हो, ऐसे रीजन को हम क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज कंप्रेशन। तो जैसे हमें पता है कि स्प्रिंग के अंदर जो वेव फॉर्म हो रही है राइट नाउ इट इज लॉन्गिट्यूडनल वेव, सिमिलरली जो साउंड वेव्स होती हैं वो भी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं। जैसे मैंने इस स्प्रिंग को पुश किया तो पुश करने से यहाँ जो रीजन फॉर्म हुआ था उसमें पार्टिकल्स जो थे वो करीब आ गए थे, इसलिए हमने उसको क्या कहा, इट इज अ रीजन ऑफ कंप्रेशन। इसी तरह से अगर मैं इस स्प्रिंग को इस तरफ स्ट्रेच कर दूं तो स्ट्रेच करने से क्या होगा, स्प्रिंग कुछ इस तरह से हो जाएगा कि वो रीजन जो कि कंप्रेशन था जहां पार्टिकल्स करीब करीब थे एक दूसरे के, वो रीजन जो है वो वेव के अंदर आगे की तरफ ट्रेवल कर गया एनर्जी को कैरी करके, और इस जगह पर जो है वो पार्टिकल्स के दरमियान जो गैप है या जो डिस्टेंस है, इस रीजन के अंदर जो पार्टिकल्स के दरमियान गैप और डिस्टेंस है वो कम हो गया, सॉरी यहां पर जो है वो डिस्टेंस बढ़ गया। तो किसी भी लॉन्गिट्यूडनल वेव के अंदर ऐसा रीजन जहां पर पार्टिकल्स के दरमियान गैप ज्यादा हो, द रीजन इन अ लॉन्गिट्यूडनल वेव वेयर द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम आर वाइडली अपार्ट, एक दूसरे से दूर दूर हो, तो ऐसी वेव के रीजन को या उस रीजन को हम क्या कहते हैं, इट इज नोन एज रेरिफैक्शन। तो इस तरह से जब मैंने इसको पुश किया स्प्रिंग को तो कंप्रेशन फॉर्म हुआ, जब मैंने पुल किया स्प्रिंग को तो रेरिफैक्शन फॉर्म हुआ। इस तरह से अगर मैं इस स्प्रिंग को कंटिन्यूसली बैक एंड फोर्थ मूव करता रहूंगा तो एक सीरीज ऑफ कंप्रेशन एंड रेरिफ्रैक्शन फॉर्म होंगे, और इस सीरीज ऑफ कंप्रेशन एंड रेरिफ्रैक्शन को हम क्या कहते हैं, इट इज नोन एज लॉन्गिट्यूडनल वेव्स।
तो ये थे कुछ बेसिक टर्म्स जो कि हमने अपने इस एसएलओ के अंदर पढ़ी। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर एक और एसएलओ के साथ दोबारा हाजिर होंगे। सो दिस इज मोहम्मद अली राणा साइनिंग आउट। अल्लाह हाफिज़।